आज मैं शोरबा खाने गई तो मैंने कहा आपसे पहले भी एक वीडियो शेयर की है तो एक और वीडियो शेयर करनी चाहिए आपसे, ताकि हमें पता चले कि क्या चीज़ें डलती हैं शोरबे में और क्या नहीं डलती, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं नहीं अच्छी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आपसे भी शेयर करना चाह रही थी मैं। तो इन्होंने चिकन मैरिनेट किया है, इसमें क्या क्या डालते हैं ये तो ये नहीं बताते, लेकिन मैं फिर भी आपको बाद में एड में बता दूंगी कि इन्होंने क्या डाला इसमें। तो बाकी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखते हैं, तो इसलिए हम इधर से ही शवारमे लेके जाते हैं, और इनका बड़ा ही स्पाइसी सा यमी सा शवारमा होता है, तो हम यहीं से आके ना शवारमा खाते हैं। तो ये भी इन्होंने अपने सारी सेटिंग कर ली है, और इन्होंने ब्रेड ली है, ब्रेड ये डाउन की ही यूज़ करते हैं, तो क्योंकि वो ब्रांड है एक तो अच्छी चीज़ होती है, उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो सेहत के लिए हार्मफुल हो, तो इसलिए डाउन की ब्रेड यूज़ करते हैं। इन्होंने ऑयल लगाया, और ऑयल से गई तो इनकी वैसे जो तवे वगैरह होते हैं नॉन स्टिक होते हैं, इनके साथ ये लगती नहीं है ब्रेड वगैरह, तो ये ऑयल यूज़ करते हैं, ऑयल भी अच्छा यूज़ करते हैं, इन्होंने कश्मीर ऑयल यूज़ किया हुआ है, तो इन्होंने कश्मीर ऑयल यूज़ किया तो एक साइड पे लगाया, फिर इतना ज़्यादा नहीं लगाते कि बिल्कुल ही पराठा बन जाए, बिल्कुल जस्ट लाइट सा इनकी कलर देने के लिए ब्रेड को ना, ब्रेड ऑलरेडी बेक हुई होती है लेकिन फिर भी कलर देने के लिए, ब्राउन कलर देने के लिए। तो फिर साइड चेक कर लेते हैं कि कौन सी ज़्यादा ब्राउन तो नहीं हो गई, बाय चांस होता है कि समटाइम एक साइड होती है ब्राउन हो जाती है, लेकिन उससे ज़रा टेस्ट बड़ा क्रंची क्रंची सा आता है। तो ये अब इन्होंने चार शवारमे में लगा रहे हैं एक टाइम में, तो ये अब इन्होंने साइड पे रख लेने चारों, क्योंकि इसकी एक साइड ज़्यादा ब्राउन हो गई है तो इसलिए इन्होंने इसकी दूसरी साइड इतनी ब्राउन नहीं करेंगे, फिर ज़्यादा ही वो टेस्ट ना अजीब सा हो जाता है इनकी, जैसे सड़ा सड़ा। और अब इन्होंने चिकन मैरिनेट किया, जो पहले मैंने आपको बताया था कि चिकन मैरिनेट कर लेते हैं, बताते तो नहीं है क्या क्या है, लेकिन यहाँ बहुत सारा रश होता है, जो लोग आते हैं कुछ लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट स्पाइसी पसंद करते हैं, तो फिर लोग उस हिसाब से इनसे बनवा लेते हैं शवारमा, ये यानी कि अपनी पसंद का नहीं, एक ही ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ही सारा बना लेते हैं, ये डिफरेंट इनकी टेस्ट में शवारमा बनाते हैं जो अगले को पसंद भी आए। तो इन्होंने अब पहले उसकी सॉसेस लगाई हैं, और अब ऊपर बंद गोभी कटी हुई डाल रहे हैं, और साथ इन्होंने क्यूकम्बर भी यूज़ किया, तो जैसे इनकी जब कोई क्यूकम्बर या बंद गोभी वगैरह कोई यूज़ करना पसंद करता है, कोई खाना पसंद करता है, कोई खाना नहीं पसंद करता, तो उस लिहाज से उसको तैयार करके देते हैं शवारमा। अब चिकन को अच्छी तरह चॉप्स कर लेंगे, फिर उसके बाद अच्छी तरह जिनकी जिसने अगर स्पाइसी खाना है तो इसमें फर्दर, और जो ना मिर्च वगैरह यूज़ कर लेंगे, अगर नहीं किसने खाना तो फिर उसको नॉर्मली वो खाएंगे, यानी किस तरह उन्होंने मायनीज डाल लेनी है या आपने ज़्यादा यमी करना है, आज इनके टेस्ट के हिसाब से, कोई अपनी मनमर्जी नहीं करनी, क्योंकि क्लाइंट को पसंद आएगा तो वो फिर बार 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 कस्टमर आपके पास आएगा ना, तो ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, और है भी फ्रेश ताज़ा, तो आपके सामने बनाते हैं, कोई छुपा छुपू के नहीं बनाते आजकल, तो अल्लाह माफ़ी करे बहुत सारे पता नहीं लगता चिकन है गोश्त है किस चीज़ का किस चीज़ का नहीं है, ये मायनीज वगैरह डालते हैं, इनके कस्टमर कहते हैं मुझे ताज़ा यमी चाहिए, उस हिसाब से तो ये वन बाय वन फिलिंग करेंगे, पहले इन्होंने क्यूकम्बर डाली थी, साथ बंद गोभी बेस लगाई, और बीच में इन्होंने चिकन डाला, तो ऑर्डर आया हुआ था, ये फिलिमी शवारमा भी कह सकते हैं आप इसको, इसमें ज़्यादा ज़रा मायनीज होती है, तो इनके पास ऑर्डर था, इन्होंने चार शवारमे बनाए हैं, तो मैं भी फैमिली के साथ आई थी, मैंने कहा चलें वीडियो बना के शेयर करनी चाहिए, फिर ज़्यादा फर्दर हमें तो ज़्यादा मायनीज वाले शवारमे पसंद हैं, इसलिए हमने उनको कहा कि हमें डबल बना के दें, तो उन्होंने ऊपर भी और नीचे बेस में भी यूज़ की, इस तरह ही इसको कवर अप करके पैक करके देते हैं, तो ज़्यादा मैटर से करती हैं कि सफा साफ़ सुथराई कितनी है बीच में, तो हाथ उनके धुले हों, बाकी भी सारा एरिया साफ़ हो तो फिर ही है, वरना कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि बंदे का खाने को दिल ही नहीं करता, इसलिए कि वो उनके हाथ नहीं समटाइम धुले होते, तो सम टाइम कुछ और।